हाँ याद है। तू थोड़ी महंगा होगा इससे वैसे ये नहीं दी बुआ कह हाँ वैसा बुआ है तुम्हारी हाँ वो कहेगी प्रणाम तुम कहोगे उसको प्रणाम बुआ है ये दोनों बुआ हैं ये हमारे नित्या काशी के भतीजे हैं ये मेरे नाती लेट लतीफ सबसे लेट बस 5:30 हो गया है तब आ रहे हैं भाई एज वेल एज फ्रेंड ही इज माय भाई एज वेल एज फ्रेंड है इनका चॉकलेट वाला मामा वो पीछे रह गई बता रही कुछ नहीं है तुम्हारा अच्छा तेरे है वो हाँ वहीं रखना उसको वहीं रख तो वहीं रख हर 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 किसी का टेंशन नहीं है ये हर किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करता अपना बैकग्राउंड गिरे नित्या अच्छे से बैठ जाता है।
ये देखिए गाइस किस तरीके से यहाँ बटोरा जा रहा है सब लाल जी की तरह। गाइस आफ्टर राखी सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रही है, लाइट लगा है, आप देख सकते हैं। आज तो यहाँ पे भी चल रही है लाइन लाइन राखी स्पेशल काइट फ्लाइंग। ये डर गया वो डर गया कहीं मेरी पतंग कट ना जाए। और यहाँ पे हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, देख सकते हैं आप। वो डर रहे, मामा मत काटना, यही तो बात है। फिर मामा काट ही देते हैं भांजे की पतंग। मैं तो उसके से भांजा है कह रहा हूँ, उसकी उड़ नहीं रही है। कपाल फूट गया इसका, कपाल फूट गया बल। प्योर पहाड़ी पहाड़न बन गई है काशी। क्या बोल रही पता है, इसका कपाल फूट गया बल। पापा को दो, पापा उड़ाने के लिए आ रहे हैं। पापा उड़ा पतंग उड़ा। अभी मोहित इतना छोटा था जब बोलता था पवन बुबू मेरी पतंग उड़ा दो, क्योंकि पवन इसके बुबू लगते हैं। और आज है देखो, आज अब तो मोहित पतंग शायद से तेरी इस साल की फर्स्ट पतंग होगी ना मोहित। ये है मोहित का दोस्त और यह है हमारा मोहित। ये देखो दिखता है। अच्छा इनकी पतंग यहाँ पे लेट गई है, अब इनकी पतंग की बारी है। अब मोहित दद्दा भरत दद्दा के संग उड़ाओ। नहीं मोहित दद्दा, और ये दद्दा का नाम क्या है? आयुष दद्दा, आयुष्मान दद्दा। हाँ बचपन में, हाँ याद है। हाँ अब बड़ी हो गई। पेज लड़ते हुए अब ये फोन के संग कैसे संघर्ष होगा बताओ। उसकी पतंग हद हो गई कसम से, उस बेचारे की पतंग काट दी है। ये कट गई हो, कहाँ से कटी बतानी, किसकी थी बतानी हो। कट गई उसकी पतंग, काट दी यार तूने, उसका नुकसान कर दिया 30 रुपए का। शायद से उसकी तो नहीं थी, पंडित जी के बेटे की होगी, हो वहीं से उड़ी थी। देख ले दद्दा ने पतंग काट दी उनकी। नित्या का वो है, उसका साथ साथ है, देख ले उसकी वजह से तेरी पतंग काट पाया तू। मोहित दद्दा की मदद कर। ये माझे इसको मत देना बाबू। अब ये इसकी पतंग उड़को उड़ाएंगे। गाइस तो राखी का सेलिब्रेशन हो गया है ख़त्म, और बहुत बढ़िया से हमारी राखी निकली। तो और ये भेजा है पवन की फ्रेंड जो बचपन से इनको राखी बांधती है, उन्होंने मेरे लिए हर साल भेजती है राखी, और इस बार भी भेजा है देख सकते हैं आप। और मैं किसी को राखी नहीं बांध पाई, मतलब बांधी एक अपने फ्रेंड को है प्रदीप, वो आया था उसको बांधी, और एक अपने ननद के हस्बैंड मामा की बेटी उनको बांधी। तो बढ़िया से राखी निकली, बट अपने भाई को नहीं बांध पाई। दादा लोग को ले सबके लिए तो मैं घर पर रख के आई थी। मैं गई थी जब पहाड़ तो मम्मी लोग के हाथ भिजवाया था, जिस दिन मम्मी लोग गए थे हल्द्वानी से उस दिन मैंने मम्मी लोगों से भिजवा दी थी दादा लोग के लिए। और भाई के लिए नहीं भिजवाई क्योंकि भाई ने मना कर रखा था। भाई बोल रहा था यहाँ पहुँचने तक बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई मेरा आर्मी में है तो वो आएगा शायद से, तो तब उसको बांधूंगी। तो उसकी राखी मैंने रखी हुई है, और राखी का डे बहुत ही अच्छे से निकला। मम्मी और पवन भी गई थी, मम्मी अपने मायके दद्दा लोग के वहाँ, और एक दद्दा की बहू उनके यहाँ गई थी, बट वहाँ पे पवन फोन नहीं लगे ना उन्होंने व्लॉग शूट किया। बाकी जितना व्लॉगिंग हमने शूट करी सिर्फ घर पर करी, और बाहर हम लोग व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि पवन फोन ले जाना भूल गए थे, और अपन का फोन की कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। तो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू अगेन। और राखी का सेलिब्रेशन मस्त से ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको हमारा राखी का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये मन कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन, और इंडिपेंडेंस डे के दिन
काशी को बनना है रानी लक्ष्मीबाई और नित्या को बनना है बेगम महल। और नित्या बोल रही है मैं महल नहीं बनूंगी, नित्या सोच रही है मुझे राजा का महल बनाएंगी मम्मी। तो गाइस चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे तक। गाइस ये व्लॉग हमारा थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि पहले पहाड़ के व्लॉग्स मैं डाल दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैं ऐसे डालूंगी, तो उसके बाद ये व्लॉग आएगा। मे बी ये व्लॉग लेट हो, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे तक, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।